दोस्तों स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं दूता वेब सीरीज के अगले 4 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इस वेब सीरीज में आप एक जर्नलिस्ट को देखेंगे जिसको अपने साथ किसी भी होने वाली घटना का पहले से ही पता चल जाता है, क्योंकि कहीं से भी उसके पास अगले दिन छपने वाले न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है। उसे होने वाली दुर्घटनाओं का पता तो चल जाता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। उसके पहले 4 एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले आप उसे जाकर देखें तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो बिना समय गवाए कहानी आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा सागर वर्मा की बेटी की मौत हो जाती है और उसे पता चल जाने के बावजूद भी वो उसे रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ क्रांति मैडम उसके फार्म हाउस में खुदाई करवा रही थी क्योंकि उसे शक था कि सागर वर्मा ने ट्रक ड्राइवर को मार के जमीन में गाड़ दिया है। अब आगे, जब पुलिस वाले जमीन खोद रहे थे तो उनको नीचे से कुत्ते की लाश मिलती है। फिर वे मैडम को बताते हैं कि यहाँ कोई इंसान की नहीं बल्कि कुत्ते की बॉडी दफनाई गई है। फिर मैडम फार्म हाउस में काम करने वाले रामू को बुलाती है। फिर मैडम रामू से पूछती है वो कुत्ता किसका है। रामू बताता है कि वो कुत्ता सागर साहब का है, ये जमीन उनके दोस्त की है, इसलिए साहब ने वो कुत्ता वहीं पर दफनाने को कह दिया था। फिर उसके जाने के बाद मैडम वो कुत्ता वापस दफनाने को कह देती है। दूसरी तरफ सागर अपनी बेटी का क्रियाकर्म करके उसकी अस्थियों को जल प्रवाह कर रहा था तभी उसको फिर से उसी बाइक की आवाज आती है। फिर सागर उस बाइक की तरफ जाने लगता है। सागर को वही येलो रेनकोट पहने आदमी दिख जाता है। फिर सागर तेजी से भागकर उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन वो बाइक सवार वहां से भाग जाता है। फिर सागर उस बाइक का नंबर देख लेता है। दूसरी तरफ मैडम रंगा को कहती है हम बेवजह सागर पर शक कर रहे थे, उसने जनरेटर रूम में डॉगी की बॉडी को रखा होगा और उसी के खून को साफ करने के लिए उसने सफाई भी करवाई होगी। अब हमें सागर और घोष को छोड़कर कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। रंगा पूछता है मैडम जब चार्ल्स ने खुद को मारा तब दरवाजे पर कौन खड़ा था, हमें अभी तक ये भी पता नहीं चला। फिर मैडम कहती है कि हमें ये केस शुरू से दोबारा चेक करना होगा, मुझे इस केस से जुड़ी हर चीज मेरे टेबल पर चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया अपनी बेटी को याद करके रो रही थी तभी उनकी बेल बजती है और एक डिलीवरी बॉय उनकी मेड को एक पार्सल पकड़ाकर चला जाता है। जब मेड पार्सल खोलती है तो वो घबरा जाती है और प्रिया मैडम को आवाज देती है। फिर जब प्रिया वहां आती है तो उसकी भी उस पार्सल को देखकर रूह कांप जाती है। फिर जब सागर घर पर आता है तो देखता है उसका ससुर घर पर आया हुआ था। फिर प्रिया और उसके पापा दोनों ही सागर से ठीक ढंग से बात नहीं करते। फिर जब सागर उस पार्सल को देखता है तो उसके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस पार्सल में उसकी पीए अमृता का 2 महीने का बेबी था जिसको देखकर सागर रोने लगता है। अमृता ने उसके साथ एक लेटर भी भेजा था जिसमें लिखा था प्रिया अगर यकीन ना हो तो डीएनए टेस्ट करवा लो। सागर कहता है प्रिया ये एक्सीडेंटली हो गया। ये बात सुनकर प्रिया चीखने चिल्लाने लगती है। फिर वो शादी की अंगूठी उतारकर फेंक देती है और सागर को उसके ही घर से निकाल देती है। फिर सागर गुस्से में अमृता के पास फोन करता है लेकिन अमृता फोन कट कर देती है। फिर सागर अपने फार्म हाउस में जाता है और अपनी माँ को कहता है कि किसी को भी रूम के अंदर मत आने देना। उसका सारा रूम अखबार की रद्दी से भरा पड़ा था। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस जाता है तो रास्ते में उसे वही बाइक सवार मिल जाता है जो कई दिनों से इसका पीछा कर रहा था। फिर सागर उसका पीछा करता है। फिर वो बाइक सवार एक बंद पड़े स्कूल के बाहर पहुंचता है और जब वो हेलमेट उतारता है तो हमें पता चलता है कि वो मेल नहीं फीमेल है। ये एक यूट्यूबर है जो बंद पड़ी पुरानी बिल्डिंगों में जाकर हॉरर स्टोरीज बनाती है। इसके पास एक EMF रीडर भी है जिसके ऊपर एक लाइट लगी है। अगर लाइट ऑन हुई तो इसका मतलब आसपास जरूर कोई ना कोई भूत या आत्मा है। अगर लाइट ऑन नहीं हुई तो वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और अगर लाइट बार बार फ्लैश हुई तो इसका मतलब है यहाँ खतरा है। फिर सारा काम छोड़कर वहाँ से भागने में ही भलाई है। तभी वहाँ सागर आ जाता है। वो लड़की सागर को देखकर घबरा जाती है। सागर पूछता है कौन हो तुम। वो बताती है कि मेरा नाम किरण रेड्डी है, मैं भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करके वीडियो बनाती हूँ। 4 महीने पहले किसी रवि का फोन आया था मेरे पास, उसके पास रिसर्च की हुई कोई भूतिया स्टोरी थी। फिर मैं हैदराबाद उससे मिलने गई, वो एक जर्नलिस्ट था। जब मैं उससे मिली तो वो एक न्यूज़पेपर के टुकड़े के पीछे भागा और उसको उठाकर पढ़ने लगा। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसने मुझे बताया कि बहुत सारे जर्नलिस्ट भयानक मौत मर रहे हैं, सब सुसाइड कर रहे हैं, इन सब के पीछे कोई आत्मा का हाथ हो सकता है। इन मौतों की शुरुआत 1963 में हुई थी। तब से अब तक कई जर्नलिस्ट खुद को फांसी लगाकर, गोली खाकर या छत से कूदकर या ट्रेन के नीचे आकर किसी भी तरह खुद को खत्म कर रहे हैं। फिर वो फाइल में से एक पेपर कटिंग निकाल कर दिखाता है और बताता है कि ये मुझे मेरे पिताजी की मौत से पहले मिला। फिर जैसा इस पर लिखा था वैसे ही मेरे पिताजी 3री मंजिल से फिसल कर नीचे गिर कर मर गए। फिर कुछ दिनों बाद मुझे एक और टुकड़ा मिला, जैसा इसमें लिखा ठीक वैसे ही मेरी बीवी भी मर गई। उस दिन के बाद मुझे अखबार का जो भी टुकड़ा मिलता है मैं उसे उठा लेता हूँ। मेरा पूरा घर इन टुकड़ों से भरा पड़ा है। मैंने अपने माँ बाप बीवी बच्चा सब कुछ खो दिया। फिर वो अपनी रिसर्च का पूरा डेटा किरण को देता है। 1963 से लेकर अब तक टोटल 54 लोग मरे हैं।
शायद और भी हो सकते हैं जो मुझसे छूट गए हों। किरण पूछती है, दुनिया में लाखों जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सिर्फ यही क्यों मरे? रवि बताता है, मरने वाले सभी जर्नलिस्ट एक नंबर के करप्ट थे। मैं भी करप्ट था, मैंने भी अपने फायदे के लिए गलत खबरें छापी हैं। वो आत्मा भूत जो भी है, वो सिर्फ फैमिली ही नहीं बल्कि दोस्त नौकर स्टाफ किसी को भी नहीं छोड़ती, और एंड में खुद मरना पड़ता है, तभी ये मौतों का सिलसिला बंद होता है। रवि चाहता था कि किरण इस न्यूज को अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करे। वो रात किरण ने हैदराबाद में ही बिताई, क्योंकि अगले दिन वो रवि से मिलकर फिर से इस पर डिटेल से बात करना चाहती थी। लेकिन तभी उसके पास रवि का वॉइस मेल आता है। उसमें रवि कहता है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन तुम इस स्टोरी को छोड़ मत देना। फिर किरण उसके घर जाती है और देखती है कि रवि छत पर खड़ा है। फिर रोकते रोकते वो छत से कूद जाता है। मरते समय उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें लिखा था कि यूट्यूब चैनल घोस्ट शैडो की मेजबान मिस किरण मरी हुई हालत में पाई गई। किरण बताती है कि उसके मरने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रवि की बताई हुई सारी बातें वीडियो में कवर करने के बारे में सोच रही थी कि तभी मैंने न्यूज़पेपर में चार्ल्स की मौत के बारे में पढ़ा। वो भी बहुत करप्ट जर्नलिस्ट था, इसलिए उसकी सारी फैमिली मारी गई। तभी मैंने उसके फार्म हाउस पर तुम्हें देखा। जब तुम्हारे ऊपर रिसर्च की तो पता चला तुम भी करप्ट हो। बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, सबके गुनाहों में साथ दिया है तुमने। मिनिस्टर की नकली शराब पीकर 90 लोग मर गए, लेकिन वो खबर भी तुमने दबा दी। सागर कहता है, मान लिया मैं करप्ट हूँ, ये घोस्ट मुझे भी तो मार सकता है। मेरी फैमिली को क्यों मार रहा है? मेरी बेटी का क्या कसूर था? किरण कहती है, तुम्हारे कारण जो लोग मरे हैं, क्या तुमने उनकी फैमिली के बारे में सोचा है? इसी तरह वो घोस्ट भी तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं सोचता। सागर कहता है, तो पहले क्यों नहीं बताया मुझे? किरण कहती है, तुमसे मिलकर मुझे मरना नहीं था। फिर वो रवि की बनाई हुई रिसर्च फाइल सागर को दे देती है। फिर सागर अपनी जेब से न्यूज़पेपर कटिंग निकालता है और पुराने पेपर्स के साथ मिलाकर देखता है। वे सभी पेपर सेम थे और सभी में क अक्षर उल्टा था। सागर कहता है कि मुझे ये जानना है, कौन इस मशीन से प्रिंट निकालकर मुझे तंग कर रहा है। फिर सागर और किरण एक लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में प्रोफेसर पेपर्स को चेक करके बताता है कि ये प्रिंट करीब 70 से 80 साल पहले का है। फिर सागर कहता है, इसमें क अक्षर उल्टा छपा है। प्रोफेसर बताते हैं कि ये एक कोड है जो कि आजादी से पहले यूज किया जाता था। तुम एक मिनट रुको। फिर प्रोफेसर पुराने न्यूज़पेपर लेने के लिए चले जाते हैं। तभी किरण के पास एक फोन आता है। फोन पर आदमी कहता है कि आपने जिस लोकेशन के बारे में परमिशन मांगी थी, आपको परमिशन मिल गई है, लेकिन केवल आज के लिए, आज के बाद नहीं। इतने में प्रोफेसर बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर लेकर आ जाते हैं। तभी किरण आकर कहती है, सागर मुझे अभी जाना होगा। सागर कहता है, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। फिर प्रोफेसर सभी न्यूज़पेपर चेक करके बताते हैं कि ये सभी पेपर्स आजादी के समय के थे। तभी उनको एक पेपर मिलता है जिसमें क अक्षर उल्टा लिखा था। उस न्यूज़पेपर का नाम था दूता। फिर सागर उस प्रेस का नाम गूगल पर सर्च करता है। सागर को पता चलता है कि इस पेपर को 1938 में सत्यमूर्ति ने शुरू किया था। 1962 तक ये पेपर अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन सत्यमूर्ति गायब हो गए और ये पेपर बंद हो गया। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, पत्रकारिता के उसूल और सिद्धांत, लेकिन गूगल पर प्रेस का कोई भी एड्रेस नहीं था, लेकिन हो सकता है बुक पर हो। सागर को याद नहीं आ रहा था कि वो बुक उसने कहां देखी थी। फिर सागर उस पेपर की फोटो खींच लेता है। दूसरी तरफ किरण एक बंद पड़े हॉस्पिटल में पहुंचती है। वॉचमैन उसे कहता है कि आप यहां आओगी, मुझे फोन आ गया था। किरण कहती है, तो अंदर चलें? वॉचमैन कहता है, नहीं, आपका काम आपको मुबारक, मैं नहीं जाऊंगा। फिर किरण अकेली ही अंदर चली जाती है। ठीक उसी समय सागर एक रेड लाइट पर खड़ा था। उसे याद आता है कि वो किताब उसको चंद्रमूर्ति ने दी थी। फिर अमृता ने उस किताब को उसके फार्म हाउस में भिजवा दिया था। तभी उसको बैक व्यू मिरर में कुछ छोटे बच्चे कागज की कश्ती चलाते हुए दिखते हैं। फिर सागर उसको ध्यान से देखता है। वो किसी न्यूज़पेपर की कटिंग थी। फिर सागर गाड़ी से हाथ बाहर निकालकर उस कश्ती को उठा लेता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें लिखा था, मशहूर यूट्यूबर किरण रेड्डी पिछले 15 सालों से बंद पड़े भीमली हॉस्पिटल में मरी हुई मिली। फिर सागर उसको कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। किरण रेड्डी उस समय हॉस्पिटल के अंदर ही अंदर चली जा रही थी, वो भी अपनी मशीन के भरोसे। तभी उसके पास उसके कैमरामैन का फोन आता है। वो पूछता है, कहाँ हो तुम? किरण कहती है, मैं भीमली हॉस्पिटल में हूँ, कल की परमिशन नहीं मिली थी इसलिए मैं रिसर्च करने आज ही आ गई। तभी कैमरामैन कहता है कि मैंने मशीन में से बैटरी निकाल ली थी, मुझे फ्लैश के लिए जरूरत थी। तुमने नई बैटरी तो ले ली थी ना? किरण कहती है, हाँ, पर उसको मशीन में डालना भूल गई थी। फिर वो जैसे ही बैटरी को मशीन में डालकर ऑन करती है, मशीन की लाइट फ्लैश करने लगती है। इसका मतलब खतरा सिर पर ही था। अब इससे पहले कि किरण वहां से भागती, दीवार पर लगा अग्निशमक सिलेंडर अपने आप हिलने लगता है और दीवार से टूटकर सीधा किरण को जाकर लगता है। फिर किरण दीवार में लगे हुए हुक से जाकर टकराती है। एक के बाद एक 3 बार ऐसा होता है और किरण की मौत हो जाती है। इतने में सागर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो वॉचमैन से पूछता है, यहाँ किरण रेड्डी आई थी क्या? वॉचमैन कहता है, हाँ जी सर, वो अंदर गई है। इतने में सागर देखता है कि अंदर से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है। फिर सागर किरण को बचाने के लिए अंदर जाता है।
सिक्स्थ एपिसोड में हम देखते हैं क्रांति मैडम रंगा को कहती है, ऊपर से प्रेशर है, मुझे 2 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, लेकिन केस है कि सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी मैडम सागर के फार्म हाउस में खींची हुई तस्वीरों को देखती है। एक तस्वीर में उसे बरगद के पेड़ की जड़ें दिखती है। मैडम रंगा को कहती है कि बरगद के पेड़ की जड़ें जमीन में 10 से 15 फुट तक नीचे होती हैं। इतनी गहराई में मिलने वाली जड़ें जमीन के बाहर कैसे पड़ी हैं? इसका मतलब गड्ढा गहरा खोदा गया होगा। दरअसल उस रात जब सागर कब्र खोद रहा था तब उसको आइडिया आता है। सबसे पहले वो दफनाया हुआ डॉग बाहर निकालता है, फिर वो उस गड्ढे को और भी गहरा करता है, फिर पहले वो उसमें ड्राइवर की लाश को दफनाता है और फिर मिट्टी डालकर उसके ऊपर कुत्ते को दफनाता है। ये सोचकर कि जमीन में कुत्ते की लाश मिलने के बाद कोई उसके आगे खोदेगा ही नहीं, उसके नीचे एक और बॉडी है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगले दिन जब सुबह सागर वर्मा अपने फार्म हाउस में उठता है तो वो सबसे पहले चंद्रमूर्ति की दी हुई किताब ढूंढता है। उसे वो बुक मिल जाती है, फिर वो बुक पर दिए हुए एड्रेस पर जाता है। जब वहाँ जाकर वो बेल बजाता है तो सत्या नाम का लड़का दरवाजा खोलता है। सागर उसे पहचान नहीं पाता। फिर सत्या बताता है कि सर मैं आपको इनवाइट करने के लिए आपके ऑफिस आया था, मैंने आपको अपना रिज्यूमे भी दिया था। फिर सागर कहता है मैं तो दूता पब्लिकेशन में आया था। सत्या बताता है कि वो हमारा ही है, मेरे दादाजी उसके चीफ एडिटर थे, 1962 में वे अचानक से गायब हो गए थे, तभी से ये प्रेस बंद पड़ी है और हम इस प्रेस को अपना घर बनाकर रह रहे हैं। फिर सागर उनके आर्टिकल्स के बारे में पूछता है। सत्या सागर को अपने दादाजी के रूम में ले जाता है। वो बताता है कि जैसे मेरे दादाजी इस रूम को छोड़कर गए थे, मेरे पिताजी ने इस रूम को बिल्कुल वैसा का वैसा संभाल कर रखा है। तभी सत्या के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना, उस रूम में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा, फिर तुमने किसके लिए वो दरवाजा खोला? सागर बाहर जाकर देखता है तो सत्या के पिता कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी में काम करने वाले चंद्रमूर्ति थे, जिनको उसने जॉब से फायर कर दिया था। फिर चंद्रमूर्ति सागर को बुरा भला कहने लगता है और अपने बेटे सत्या को बाहर जाने को कहता है। सागर कहता है मैं दूता पर रिसर्च कर रहा हूँ। चंद्रमूर्ति कहते हैं तुम्हें तो ये महान नाम लेने का भी हक नहीं है। ये बात सुनकर सागर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है इसमें क्या महान है, आपके पिताजी एक चलती प्रेस को छोड़कर कहीं चले गए, क्या ये महान है? मैंने उनके बारे में नेट पर सब पढ़ा है, अगर ये झूठ है तो आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते? नहीं बताएंगे तो मैं झूठ ही लिखूंगा। फिर चंद्रमूर्ति सागर को पूरी कहानी सुनाता है। 1962 में राघवैया नाम का एक ईमानदार MLA था जो कि उसके पिता सत्यमूर्ति का बहुत अच्छा दोस्त था। राघवैया सत्यमूर्ति और उसके अखबार की सबके आगे बहुत तारीफ करते थे क्योंकि उस अखबार में कभी भी कोई झूठी खबर नहीं छपती थी। उसके पिता सत्यमूर्ति ने जो किताब लिखी उसका उद्घाटन भी राघवैया ने ही किया था। सत्यमूर्ति को पता था कि आने वाले टाइम में लोग पत्रकारिता का बुरा उपयोग करके राजनीति पार्टियों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन जो भी उनकी किताब पढ़ेगा वो हमेशा अपने पत्रकारिता का धर्म का पालन करेगा। ये है भूपति जो कि सत्यमूर्ति की प्रेस का सारा काम संभालता है, और ये है चक्रपाणी जो राघवैया के खिलाफ MLA की सीट पर लड़ना चाहता है। इसका मानना है कि अब युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और समाज की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। किताब की लॉन्चिंग के बाद भूपति सत्यमूर्ति को तिरुपति बालाजी जाने की टिकट देता है और कहता है कि आपने बेटा होने पर तिरुपति जाने का प्रण लिया था, किताब के चक्कर में आप 2 साल से टालते आ रहे हैं, अभी आप वहाँ जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। फिर वे अपनी नई प्रेस में जाते हैं क्योंकि आज वहाँ पूजा थी। फिर उसके बाद वे अपनी पुरानी प्रेस में जाते हैं जो कि उन्होंने एक लाइट हाउस के अंदर रखी हुई थी। इस प्रेस के बारे में सत्यमूर्ति और राघवैया बस ये दोनों ही जानते थे। आजादी के टाइम में अंग्रेजों के डर से ही इन्होंने इस प्रेस को इस बंद पड़े लाइट हाउस में छिपाया था। तिरुपति जाने से पहले सत्यमूर्ति अपनी इस मशीन की भी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ भूपति और चक्रपाणी दोनों में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। चक्रपाणी के कहने पर ही भूपति ने सत्यमूर्ति को तिरुपति भेजा था। वो राघवैया से सिर्फ एक बार ही जीतना नहीं चाहता था बल्कि वो तो चाहता था कि उसकी पार्टी हमेशा के लिए टिकी रहे। उसने राघवैया की नौकरानी कल्पना को भी पटाकर अपने वश में कर रखा था। तभी कल्पना उससे मिलने आती है, वो अपने साथ एक पीतल की कुंडी भी लेकर आई थी। फिर चक्रपाणी उस कुंडी को लेकर लोहार के पास जाता है और बिल्कुल सेम ऐसी ही कुंडी लोहे की बनवाता है जिसके ऊपर पीतल की पॉलिश करवाई जाती है। उसका प्लान इस कुंडी को चुंबक के जरिए खोलने का था। फिर वो लोहे वाली कुंडी कल्पना को दे देता है और कहता है कि इसे वापिस साहब के कमरे में लगा देना। फिर वो उसे मिठाई देता है और कहता है कि घर में जाकर सबको खिला देना। फिर घर जाकर कल्पना उस कुंडी को वापिस उसकी जगह पर लगा देती है और वो मिठाई भी सभी को खिला देती है। पूछने पर बताती है कि मेरी सगाई हो गई है। फिर शाम को कल्पना चक्रपाणी से मिलने के लिए तालाब पर जाती है। चक्रपाणी उसको भी तालाब के अंदर आने के लिए कहता है। कल्पना उस पर विश्वास करके पानी के अंदर चली जाती है। फिर चक्रपाणी उसको पानी में डुबोकर मार देता है।
फिर बाहर आकर वो वहाँ पर एक लेटर रख देता है। उस लेटर में जो भी लिखा था उसको वे पहले ही अखबार में छाप चुके थे। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। भूपति पुलिस के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ सर? पुलिस वाला बताता है कि ये राघवैया की नौकरानी है, उनके घर में इसकी इज्जत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, इसीलिए इसने एक चिट्ठी लिखी और खुद की जान ले ली। फिर रात को चक्रवाणी राघवैया के घर जाता है। फिर चुंबक की हेल्प से वो राघवैया के घर की कुंडी खोल लेता है। फिर वहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर रख देता है जो कि नेक्स्ट डे छपने वाला था। उसकी भेजी हुई मिठाई के कारण सारे घर वाले बेहोश थे। फिर चक्रवाणी पूरी फैमिली को ही फांसी पर टांग देता है और जाते समय कुंडी को वापिस बंद कर देता है। अगले दिन ये न्यूज़पेपर पूरे गांव में बंटवा दिए जाते हैं। फिर चक्रवाणी लोगों को इकट्ठा करके राघवैया के खिलाफ भाषण देता है और कहता है कि दूता न्यूज़पेपर राघवैया के अजीज दोस्त का है। बिना पुष्टि करे वे कोई भी खबर नहीं छापते। राघवैया की फैमिली में उस लड़की के साथ जरूर कुकर्म हुआ है, तभी उन्होंने अपने ही दोस्त के खिलाफ न्यूज छापी है। फिर जनता भड़क जाती है। फिर पुलिस वाले राघवैया और उनके बेटों को पकड़ने के लिए उनके घर जाते हैं। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो वे दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाते हैं। फिर पुलिस वाला देखता है कि राघवैया की पूरी फैमिली ने खुद को फांसी लगा रखी थी और पास में आज का न्यूज़पेपर भी पड़ा था। अब लोगों के सामने ऐसा सीन बन जाता है कि खुद की बदनामी की न्यूज पढ़कर सबने खुदकुशी कर ली। लेकिन चक्रपाणी को ये नहीं पता था कि अभी भी राघवैया की एक पोती जिंदा है जो कि एक पांव से अपाहिज है। 3 दिन बाद जब सत्यमूर्ति वापिस अपने घर आता है तो उनकी प्रेस में काम करने वाला एक कर्मचारी उनको कल का न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि कल भूपति ने हम सबको घर भेज दिया था और पीछे से ये न्यूज छाप दी। सत्यमूर्ति को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो राघवैया से मिलने उसके घर जाने लगते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि पूरी फैमिली ने ही आत्महत्या कर ली है तो उनके पांव तले से जमीन निकल जाती है। फिर वो शमशान जाते हैं जहाँ पूरी फैमिली की चिता जल रही थी। फिर वो गुस्से में भूपति के घर जाते हैं। उसकी वाइफ बताती है कि वो चक्रपाणी से मिलने गया है। फिर सत्यमूर्ति गुस्से में चक्रवाणी के घर जाता है। कार से उतरते वक्त उनकी बुक नीचे गिर जाती है। वहाँ उनको चक्रपाणी और भूपति के बातें करने की आवाज आ रही थी। फिर वो दबे पांव जाकर उनकी बातें सुनते हैं। फिर वो छुपकर देखते हैं कि भूपति, चक्रपाणी और पुलिस वाला तीनों आपस में मिले हुए हैं। भूपति अब खुद का अखबार खोलने की सोच रहा था जो सिर्फ चक्रपाणी के बारे में ही अच्छी अच्छी खबरें छापेगा। फिर वो घर जाकर सारी बातें अपनी वाइफ को बताते हैं और कहते हैं कि सच्चाई की असली ताकत क्या होती है ये मैं उनको कल बताऊंगा, कल के पेपर में मैं उन तीनों को बेनकाब कर दूंगा। दूसरी तरफ चक्रपाणी के घर से बाहर निकलते समय भूपति को वो किताब मिल जाती है। उस किताब को देखकर वो समझ जाता है कि सत्यमूर्ति यहाँ पर आए थे और अब वो इन तीनों का सच जान चुके हैं। फिर वो ये बात चक्रपाणी को बताता है। उसके बाद भूपति सत्यमूर्ति के घर जाता है। उनकी वाइफ बताती है कि वो घर पर नहीं है। फिर वो चक्रपाणी को जाकर बताता है कि उनको पता चल गया है, क्योंकि उनकी पत्नी के हाव भाव से पता चल रहा था वो मुझसे डर रही है। चक्रपाणी कहता है वो बुड्ढा प्रेस पर नहीं है तो कहाँ गया होगा। भूपति कहता है एक और जगह है, जरूर वहीं गया होगा। फिर वे तीनों लाइट हाउस जाते हैं। सत्यमूर्ति की गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। फिर भूपति अंदर जाता है और सत्यमूर्ति को कहता है कि ये सब जानकर आपको तकलीफ तो बहुत हुई होगी। सत्यमूर्ति कहते हैं कि उस चक्रपाणी ने थोड़े से पैसे क्या दिए, तुमने अपना ईमान बेच दिया, ये पाप तुम्हें और तुम्हारे खानदान को हमेशा सताएगा। कल सुबह होते ही मैं ये बात हर घर तक पहुँचा दूंगा। तभी वो पुलिस वाला पीछे से आकर सत्यमूर्ति पर वार करता है। फिर वे तीनों मिलकर सत्यमूर्ति को मार देते हैं और उनकी लाश को प्रेस के ऊपर ही बांध देते हैं। चंद्रमूर्ति बताता है कि अगले दिन भूपति मेरी माँ के पास गया और बोला कि सबको कहना कि सत्यमूर्ति लापता हो गया है, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूंगा। उस समय मैं छोटा था, बस मेरे बारे में सोचकर मेरी माँ चुप कर गई। फिर सागर चंद्रमूर्ति से माफी मांगता है। चंद्रमूर्ति कहता है कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया है, अब तुम्हें जो भी छापना है छाप सकते हो। फिर जब सागर वहाँ से जाने लगता है तो उससे मिलने के लिए सत्य आता है। वो अपने पापा के बुरे बर्ताव के लिए सागर से माफी मांगता है और पूछता है कि मेरी इंटर्नशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर। फिर सागर उसको अपना पेन देता है और कहता है कि तुम्हारी इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर घर के अंदर जाकर सत्या चंद्रमूर्ति को बताता है कि सागर सर ने मुझे जॉब ऑफर कर दी है। लेकिन चंद्रमूर्ति को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने बेटे को बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। फिर सागर वर्मा चंद्रमूर्ति के घर से सीधा लाइट हाउस जाता है। वहाँ वो प्रेस अभी भी पड़ी थी। अब फाइनली वो उस प्रेस के सामने खड़ा था जिसके छपे हुए न्यूज़पेपर की कटिंग उसको बार बार मिल रही थी। फिर वो वहाँ पर पड़े लेटर्स में से क अक्षर ढूंढता है और उसको चेक करके देखता है। वो क अक्षर उल्टा था। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।
सेवंथ एपिसोड में हम देखते हैं जब सागर लाइट हाउस के अंदर प्रेस को ढूंढ लेता है, तब उसे वहां पर एक और पेपर की कटिंग मिलती है। उसमें लिखा था 16 नवंबर 2022 को पुलिस वालों ने एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने मशहूर जर्नलिस्ट सागर वर्मा की पत्नी को उसके पिता के घर में, अगला भाग पेज नंबर 6 में। अब सागर के पास एक आदमी की तस्वीर और अधूरी न्यूज थी। फिर वो चेक करता है, आज 15 नवंबर है। फिर वो तुरंत अपनी वाइफ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पुलिस को भी खुदाई में ट्रक ड्राइवर की बॉडी मिल जाती है। फिर क्रांति मैडम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और ट्रक ड्राइवर की फैमिली को मैसेज देने के लिए कहती है, ताकि वो आकर बॉडी की पहचान कर सके। और अगर ये बॉडी उस ट्रक ड्राइवर की ही है तो मुझे सागर और अजय घोष दोनों हिरासत में चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं उस ट्रक ड्राइवर की वाइफ अजय घोष से मिलने के लिए उसके घर जाती है और अपने पति के बारे में पूछती है। अजय घोष उसे अंदर बुला लेता है। फिर अजय घोष कहता है कि अगर तू चाहती है कि मैं तेरे पति को छोड़ दूं, तो तू मुझे खुश कर दे। फिर वो उसे रूम में चलने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर औरत रोने लगती है। दूसरी तरफ क्रांति मैडम के घर की बेल बजती है। फिर मैडम जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर सागर वर्मा आया था। फिर मैडम पहले अपनी गन लेती है और सागर से जाकर पूछती है कि यहाँ क्या करने आए हो। सागर कहता है, जब चार्ल्स मरा तब मैं वहीं पर था। उस ड्राइवर से सच उगलवाने के लिए मैंने ही अजय घोष को पैसे दिए थे। वो टॉर्चर में मर गया समझकर उसने वो बॉडी मेरे फार्म हाउस में फेंक दी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो जिंदा था, लेकिन पांव फिसलने से वो एक नुकीली रोड के ऊपर गिर गया और वहीं मर गया। फिर मैंने रेड्डी साहब के प्लाट में उसको दफना कर उसके ऊपर मेरे कुत्ते की बॉडी दफना दी। आपको ड्राइवर की बॉडी वहीं पर मिलेगी। क्रांति मैडम कहती है कि हमने पहले ही ड्राइवर की बॉडी वहां से निकलवा ली है, अब जो बोलना है तुम कोर्ट में बोलना। फिर वो मैडम के पास कुछ अखबार की कटिंग फेंकता है और मैडम को सारी बात बताता है कि किस तरह से मेरे अपनों के मरने से पहले ही ये पेपर्स मुझे मिलते रहे हैं और आज मुझे एक घंटा पहले ही ये पेपर मिला है। कल मेरी वाइफ प्रिया मरने वाली है, प्लीज मैडम आप मेरी पत्नी और मेरे होने वाले बच्चे को बचा लो। मुझे नहीं पता इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है। मैं मेरी वाइफ से बात करना चाहता था लेकिन उसके घर वालों ने मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया। प्लीज मैडम आप मेरे साथ प्रिया के घर चलिए, उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा। मैडम को सागर पर विश्वास नहीं था। फिर सागर वर्मा मैडम के पास बैठकर उनको डिटेल में सारी बात बताता है। फिर मैडम उन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखती है और बताती है कि ये सभी एक ही कागज के पाड़े हुए अलग अलग टुकड़े हैं। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक और न्यूज लिखी हुई थी कि सब इंस्पेक्टर अजय घोष की बेरहमी से हत्या, कातिल ने उस पर 5 गोलियां चलाई, 4 अजय घोष को लगी और 1 पीछे दीवार पर। तभी मैडम के पास रंगा का फोन आता है। वो बताता है कि अजय घोष का मर्डर हो गया है। पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में खबर कर दी। मैडम पूछती है, क्या 5 गोलियां फायर हुई थी? रंगा बताता है, जी मैडम 4 अजय घोष को लगी और 1 दीवार पर। अब मैडम को सागर की बात पर विश्वास हो जाता है। दरअसल जब अजय घोष ड्राइवर की बीबी को रूम के अंदर आने को कहता है, तब उसकी नजर अपने पति के सोने के दांत पर पड़ती है। फिर वो उससे पूछती है, ये तो मेरे पति का दांत है ना, क्या किया तुमने मेरे पति के साथ? अजय घोष कहता है कि वो तो 2 थप्पड़ में ही लुढ़क गया, अब मैं क्या करूं? तेरा कौन सा एक ही पति था, और भी तो पति होंगे। उसकी ये बकवास सुनकर वो अपने पर्स में से एक देसी कट्टा निकालती है और 5 बार अजय घोष के ऊपर फायर कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रांति मैडम और सागर प्रिया से मिलने के लिए उसके पापा के घर जाते हैं। प्रिया से बात करने पहले वो अकेली जाती है और बताती है कि प्रिया की जान खतरे में है। तभी वहाँ सागर भी आ जाता है। फिर वो अंदर बैठकर प्रिया को सारी बात समझाते हैं। प्रिया के पापा कहते हैं कि ये सब बकवास, मैं नहीं मानता। फिर सागर प्रिया को वो फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? प्रिया मना कर देती है। फिर सागर कहता है, प्रिया तुम प्लीज कल के दिन अपना ध्यान रखना, तुम्हें जरा सा भी किसी के ऊपर शक हो तो मुझे या क्रांति मैडम को फोन कर देना। प्रिया के पिता कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमारा घर ऑलरेडी सेफ है। बात खत्म हुई, अब आप लोग यहाँ से जाओ, इसको रेस्ट की जरूरत है। फिर क्रांति मैडम और सागर वहाँ से चले जाते हैं। सागर को प्रिया की चिंता थी लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था। तभी प्रिया की नजर एक बड़े से पोर्ट पर पड़ती है। फिर वो फोटो में देखती है कि सेम पोर्ट फोटो में भी था। वो देखती है कि इस न्यूज में इसी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर पूछती है कि ये फ्लावर पॉट यहाँ कैसे आया। वो बताता है कि 2 घंटे पहले साहब ने ही इसको यहाँ पर रखवाया है। फिर वो घबरा जाती है और इस बारे में अपने पापा को बताती है। दूसरी तरफ सागर उस फोटो को बड़े ही ध्यान से देख रहा था कि ये बंदा आखिर है कौन और प्रिया के साथ करना क्या चाहता था। फिर उसकी नजर एक पेपर पर जाती है जिसमें लिखा हुआ था कि चार्ल्स की बीवी की सिलेंडर फटने से मौत हो गई। फिर उसे शक होता है क्योंकि उसकी बीवी मारिया तो जिंदा थी। फिर वो उस यूट्यूबर की दी हुई डिटेल में से अलग अलग लोगों को फोन मिलाकर पूछता है कि क्या आपके घर में जो जर्नलिस्ट था उसकी मौत के बाद किसी और की भी मौत हुई है। सभी जगह से उसको एक ही जवाब मिलता है कि उनकी मौत से पहले तो फैमिली में मौत पर मौत हो रही थी लेकिन उनकी मौत के बाद मौतें थम गई। अब सागर को समझ में आ गया था कि प्रिया को मरने से बचाना है तो खुद की जान देनी होगी।
फिर वो क्रांति शेनॉय के पास एक वॉइस मैसेज भेजता है कि मैं कई दिनों से इस चीज से बचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है। मेरे मरने से ही ये सब बंद होगा। यूट्यूबर किरण रेड्डी ने मुझे जो फाइल दी थी उसमें लिखे हर एक नंबर पर मैं कॉल करके पूछ चुका हूँ। उनकी फैमिली में जर्नलिस्ट की मौत होने के बाद सभी लोग जिंदा है। अगर कोई डेथ हुई भी है तो नेचुरल डेथ हुई है, एक्सीडेंटल एक भी नहीं। आपको इन सब में घसीटने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, गुड बाय। फिर वही सीन आता है जो हमने इस वेब सीरीज के शुरुआत में देखा था। सागर नींद की गोलियां खा लेता है, फिर वो अपनी वाइफ प्रिया के पास वॉइस नोट भेजता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरी बीवी मरे, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी उसका फोन ऑफ हो जाता है। फिर वो फोन चार्ज करने के लिए एडॉप्टर ढूंढता है। एडॉप्टर उसकी अलमारी में पड़ा था। उसके साथ साथ एक सूटकेस भी नीचे गिर जाता है। उसमें एक न्यूज़पेपर था जिसके ऊपर लिखा था कि एक 15 मंजिला इमारत गिरी, गुनहगार कौन। फिर उसे एक और न्यूज़पेपर मिलता है जिसके अंदर जलते हुए हॉस्पिटल की फोटो थी। उस हॉस्पिटल के जलने के कारण 4 बच्चों की डेथ हो गई थी। तभी उसको नशा हो जाता है और सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। फिर वो हिम्मत करके उठता है और वॉश बेसिन में जाकर हलक में उंगली डालकर उल्टी कर देता है, लेकिन फिर भी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और उसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फिर मैडम क्रांति उससे मिलने के लिए आती है। डॉक्टर बताता है कि अब सागर खतरे से बाहर है। फिर सागर मैडम को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर मैडम पूछती है कि तुमने मरने के बारे में सोच ही लिया था तो डिसीजन बदला क्यों। सागर कहता है कि मैं सोचता था सबसे करप्ट जर्नलिस्ट मैं ही हूँ, लेकिन मेरी वाइफ प्रिया तो मुझसे भी ज्यादा करप्ट जर्नलिस्ट है। उसके रिकॉर्ड तो मुझसे भी बुरे हैं। मैं लोगों के झूठ छिपाता हूँ और वो लोगों के सच छिपाती है। मेरे मरने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मेरे मरने के बाद सत्यमूर्ति प्रिया को भी सताएगा। फिर सागर अपने टूल्स का बैग लेकर लाइट हाउस में जाता है और उसमें से एक बड़ा सा हथौड़ा निकालकर उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। वो एक के बाद एक मशीन के ऊपर कई बार प्रहार करता है, लेकिन मशीन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। फिर सागर थककर वहीं पर बैठ जाता है। तभी मशीन अपने आप चलने लगती है। फिर एक पेपर हवा में उड़कर अपने आप मशीन के अंदर चला जाता है। सागर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर मशीन में से कुछ छपने के बाद वो पेपर उड़कर सागर के पास आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एक इंसान में बदलाव लाओ तभी दुनिया में बदलाव आएगा। अब ये तो एक पहेली थी जो सागर वर्मा को सॉल्व करनी थी। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि प्रिया अपने पापा के पास बैठी हुई थी। तभी उनके घर की बेल बजती है। फिर प्रिया के पापा देखने जाते हैं कि कौन आया है। जब उसके पापा वापस नहीं आते तो प्रिया अपने पापा को आवाज देती है, लेकिन जब उसके पापा जवाब भी नहीं देते तो प्रिया खुद देखने के लिए वहां जाती है कि क्या हुआ। तभी वही आदमी प्रिया के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी फोटो न्यूज़पेपर कटिंग में छपी हुई थी। वो प्रिया को बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल में मेरी बेटी की जान चली गई। इंश्योरेंस के पैसों के लालच में तुम्हारे दोस्त ने हॉस्पिटल में आग लगा दी थी और तुमने उस खबर को दबा दिया। अब जैसा करोगी वैसा ही भरना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो प्रिया को मारने वाला था प्रिया की आँख खुल जाती है। वो देखती है अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सागर एक रद्दी वाले से बहुत सारे अखबार की रद्दी मंगवाता है और उसको अपने कमरे में भर देता है। फिर उसकी माँ वहाँ आकर उसको डांटती है कि तुमने इस कमरे का क्या हाल बना रखा है। सागर कहता है माँ मैं किसी आर्टिकल पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरे दादाजी ने भी यही किया था। सागर पूछता है दादू के साथ क्या हुआ था मुझे बताओ। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे दादू भी एक जर्नलिस्ट थे। वो जिस अखबार में काम किया करते थे वो अखबार बंद हो गया था। फिर उन्होंने खुद का अखबार शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनके परिवार वाले एक के बाद एक मरने लगे। फिर वो भी तुम्हारे जैसे अखबार के टुकड़े लाकर अपने घर को भरने लगे। फिर एक दिन जब तुम्हारे पापा स्कूल से घर आए तो तुम्हारे दादू ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया और सुसाइड कर ली। अपने पापा को जलते हुए देखकर तुम्हारे पापा को लगा कि ये अखबार ही उनकी मौत की वजह है, इसलिए वो चाहते थे कि तुम पत्रकार ना बनो। फिर सागर अपने दादू का नाम पूछता है। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे दादू का नाम भूपति वर्मा था। तभी सागर के पास सत्या का फोन आता है। वो कहता है कि आज हमारे कॉलेज में समारोह है, मंत्री साहब ऑन द वे है, आप आ रहे हैं ना। सागर कहता है मैं आ रहा हूँ। फिर सागर फंक्शन में जाने के लिए तैयार होता है और उसके बाद वो अपने पापा और अपनी माँ से मिलता है और उनको कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। अब सागर के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। दूसरी तरफ डीसीपी क्रांति शेनॉय अपनी मोम को सरप्राइज देने के लिए कहीं लेकर जा रही थी। तभी मैडम के पास रंगा का फोन आता है। वो बताता है कि ड्राइवर की वाइफ रातों रात अपने बच्चों को लेकर कहीं निकल गई है। मैडम कहती है तो पता लगाओ वो कहाँ गई है। फिर मैडम अपनी माँ को आंखें बंद करने को कहती है और उनको एक बड़े से घर में लेकर जाती है। फिर उनको ले जाने के लिए व्हील चेयर लाई जाती है क्योंकि क्रांति की माँ अपाहिज थी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन थी। जी हाँ, ये राघवैया एमएलए की पोती थी जो बच गई थी। वो अपनी बेटी को कहती है कि मैंने तुम्हें ये घर बेचने को कहा था।
क्रांति कहती है, मैं इस घर को बेच नहीं पाई, इसलिए मैंने इसको फिर से रहने लायक बनवा दिया। क्रांति कहती है, माँ ये घर आपके लिए अनलकी होगा क्योंकि आपकी सारी फैमिली यहाँ मारी गई थी, लेकिन मेरे लिए ये घर लकी है क्योंकि इसमें मेरी माँ बच गई थी। तभी फंक्शन में जाते समय सागर अपने बॉस को फोन करता है और अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है। उसका बॉस कहता है कि अब अचानक तुमको क्या हो गया। सागर कहता है, सर मैं अपनी जगह आपको किसी और का नाम सजेस्ट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ इंटीरियर डिजाइनर रजनी मैडम क्रांति को एक बॉक्स लाकर देती है जिसमें कुछ पेपर्स पड़े हुए थे। फिर मैडम चेक करती है, उनमें वो पेपर भी था जो चक्रपाणि ने इसके परनाना को मारते समय यहाँ पर रखा था। उसमें लिखा था कि राघवैया की नौकरानी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि राघवैया के बेटों ने उसकी इज्जत के साथ खेला। सुसाइड करने से पहले उनकी नौकरानी ने खुद लिखकर एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। तभी क्रांति को वहाँ पर एक और पेपर मिलता है जो उनकी नौकरानी कल्पना के नाम से बैंक में अकाउंट खुलवाने का था। राघवैया उसके नाम से एक अकाउंट खुलवाना चाहते थे ताकि उसमें हर महीने कुछ पैसे डलवा सके जो कि उसकी शादी में काम आए। उस पर उनकी कामवाली कल्पना के अंगूठे का निशान था। क्रांति मैडम समझ जाती है कि जब कल्पना अंगूठा छाप थी तो वो लेटर कैसे लिख सकती थी। तभी वहाँ रजनी फिर से आती है और बताती है कि ऊपर वाले गेट की कुंडी निकल गई थी। फिर मैडम ध्यान से देखती है कि उसके ऊपर जंग लगा हुआ था। उसको शक हो जाता है कि पीतल की कुंडी पर जंग कैसे लग सकता है। फिर वो रंगा को फोन करके उसको राघवैया वाले केस की फाइल लाने को कहती है। फिर रंगा पुरानी फाइलों में से उस केस की फाइल को ढूंढता है। फिर जब वो फाइल मैडम को मिलती है तो मैडम उसे अच्छे से चेक करती है। उस फाइल में उसकी नौकरानी का सुसाइड नोट भी था। फिर क्रांति अपनी माँ को कहती है कि नानू उस समय पावर में थे, अगर उनकी फैमिली ने कल्पना के साथ कुछ गलत किया भी होता तो वो अपनी पावर के दम पर एक मिनट में आजाद हो सकते थे, इस तरह से खुद को फांसी नहीं लगाते। फिर वो एक रस्सी मंगवाती है और उससे फांसी का फंदा बनाती है। फिर वो उसे फोटो से मैच करके देखती है, दोनों के पैटर्न अलग अलग थे। फिर रजनी कहती है कि हमारा एक वर्कर लेफ्ट हैंडेड है, एक बार उससे बंधवा कर देखो। फिर जब उससे फांसी का फंदा बनवाया जाता है तो पैटर्न मैच हो जाते हैं। क्रांति की माँ बताती है कि हमारी फैमिली में कोई भी लेफ्ट हैंडेड नहीं था। फिर मैडम की नजर दीवार पर टंगी हुई फोटो पर जाती है जिसमें चक्रपाणि ने लेफ्ट हैंड में बुक पकड़ी हुई थी। क्रांति की माँ बताती है कि ये चक्रपाणि है, ये तुम्हारे नाना के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ था, जो इस समय मिनिस्टर है ये उसका दादा था। क्रांति समझ जाती है कि मेरे नानू की मौत का फायदा चक्रपाणि को हुआ था। फिर मैडम चेक करती है कि किसी न किसी पुलिस वाले ने तो इसकी हेल्प की होगी। फिर फाइलों से नाम सामने आता है रमना घोष का, जो कि अजय घोष का दादा था। फिर मैडम उस फोटो में जो चौथा आदमी था उसका पता लगाती है कि वो था कौन। उसका नाम भूपति वर्मा था। फिर मैडम सागर वर्मा को फोन करके पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई भूपति वर्मा भी था। वो बताता है कि मेरे दादाजी का नाम भूपति वर्मा था, जो मेरे दादा और इस मिनिस्टर के दादा ने मिलकर रायता फैलाया था, उसको समेटने का टाइम आ गया है। क्रांति कहती है, तुम कुछ भी बेवकूफी वाला काम मत करना, लेकिन सागर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ वही आदमी प्रिया के घर पहुंच जाता है। पहले तो वो उनके वॉचमैन को मार देता है और फिर उनके घर की बेल बजाता है। जब प्रिया के पापा दरवाजा खोलने जाते हैं तो वो उनको भी मार देता है। फिर प्रिया को कुछ टूटने की आवाज आती है। जब वो खुद देखने जाती है तो अपने पापा की लाश देखकर घबरा जाती है। तभी वो आदमी प्रिया के ऊपर हमला कर देता है। प्रिया कहती है कि उस दिन मुझे हॉस्पिटल की न्यूज दबानी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब मैंने अपनी गलती सुधार ली है। वो आदमी कहता है, कौन सा हॉस्पिटल, क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारे हस्बैंड की पीए अमृता का पति हूँ। फिर वो प्रिया को फोन में वीडियो दिखाता है। प्रिया जब वीडियो को प्ले करती है तो उसमें अमृता का एक मैसेज था, तपस मैं सागर के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था वो किस तरह का आदमी निकलेगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मेरे मरने के बाद तुम्हें जिस तरह का भी दर्द महसूस हो वही दर्द सागर को भी महसूस होना चाहिए, उसकी वाइफ और उसके होने वाले बच्चे को जान से मार दो। फिर वो खुद को मार देती है। तभी प्रिया वो फोन तपस के सिर में मारती है और खुद वहाँ से बचकर भागने लगती है। वो खुद को एक बाथरूम के अंदर बंद कर लेती है। दूसरी तरफ समारोह चालू हो गया था, मिनिस्टर साहब स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट रहे थे। तभी कहीं से एक न्यूज़पेपर की कटिंग हवा में उड़ती हुई सागर के पास आती है। सागर उसको पढ़ता है और एकदम शांत रहता है। तभी सागर की स्पीच देने की बारी आती है। फिर सागर उस न्यूज़पेपर की कटिंग मिनिस्टर को दे देता है। मिनिस्टर उसको पढ़कर हंसने लगता है। दूसरी तरफ तपस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और प्रिया पर मुक्के बरसाने लगता है। इधर सागर वर्मा स्पीच देता है कि जर्नलिस्ट बनने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो हर किसी में नहीं होती। अखबार में सच छापना बहुत ही बहादुरी का काम होता है। बहुत से जर्नलिस्ट पैसों के लालच में गलत दिशा में चले जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी बहुत से सच दबाकर झूठ पेश किए हैं। लेकिन आप लोग जो यहाँ जर्नलिस्ट बनने आए हैं, मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी मेरे जैसा बने। इनके जैसे पॉलिटिशियंस आपको धमकाएंगे, पैसा देकर खरीदने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप सच पर डटे रहना।
दूसरी तरफ प्रिया एक कैंची से तपस के ऊपर वार करती है और फिर घर से बाहर भाग जाती है। फिर वो बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन तपस कार का शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। तभी सागर वर्मा माइक के स्टैंड से मंत्री पर वार करता है। इतने में वहाँ पर क्रांति मैडम भी आ जाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही सागर मंत्री को मार देता है। तभी मैडम सागर को रोकने के लिए उसके पाँव में गोली चला देती है। दूसरी तरफ खुद को छुड़वाने के लिए प्रिया कार को बैक भगाती है। कार जाकर खंभे में लगती है, फिर वो कार को आगे भगा लेती है। तभी खंभे पर से एक बिजली की तार पानी में गिरती है और करंट लगने की वजह से तपस मर जाता है। उधर मैडम सागर को पकड़ लेती है और एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। तभी मैडम की नजर मंत्री के पास पड़े हुए न्यूज़पेपर कटिंग पर जाती है, जिसमें लिखा था कि सागर वर्मा ने मंत्री को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। जब यही न्यूज चंद्रमूर्ति टीवी में सुन रहे थे, तभी उनका बेटा सत्य वहाँ आता है। वो अपने दादू के रूम में जाकर सागर वर्मा की दी हुई कलम फेंक देता है और अपने दादू की कलम उठा लेता है। ये देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। तभी उनके पास सागर के बॉस का फोन आता है। वो कहते हैं, क्या आप मेरी कंपनी में सीनियर एडिटर के रूप में काम करोगे? मुझे आपका नाम सागर वर्मा ने सजेस्ट किया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सत्यमूर्ति की प्रेस अपने आप टूटकर बिखर जाती है। तभी जेल में सागर से मिलने के लिए प्रिया आती है। उसके हाथ में उसकी बेटी भी थी। प्रिया कहती है कि मैंने वकील से बात की थी। वकील ने कहा कि भूत प्रेत की बातें कोर्ट नहीं मानता, इसलिए बेटी की मौत से तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो गया था। इस बात पर तुम्हें बेल मिल जाएगी। अब मैडम क्रांति भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने ये केस भी सोल्व कर लिया था और अपनी फैमिली वाला केस भी। तभी उसके सीनियर ऑफिसर उसे कहते हैं, इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले हमारे पास बहुत सारे केस हैं। तुम एक स्पेशल टीम बनाओ और उनकी हेल्प से उन सभी अनसोल्व केस को सोल्व करो। फिर वो मैडम को उनके नेक्स्ट केस की फाइल देते हैं। दोस्तों, इनकी हरकतों को देखकर तो लगता है कि दूता का सेकंड सीजन जरूर आएगा, और अगर आए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूं या नहीं, ये आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल में नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। मेरा वादा है आपको इस चैनल में और भी कई बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।